नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा ने डीसीसी के चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बीदर डीसीसी बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव 18 अक्टूबर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा, जो बीदर डीसीसी बैंक के चुनाव में उमाकांत नागमारपल्ली पैनल के समर्थन में थे, बैंक के चुनाव और नतीजों की घोषणा के बाद खूबा ने अपनी प्रक्रिया मीडिया के साथ साझा करते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लूटीखोर अवकाशवादी सृष्टि नियम वेदे बंदी नबर मुगिबीते अंदर भगवंत खूबा ईमानदारी बर करार अद जिले जनता गोत भगवंत खूबा ईमानदार चाणक्यन वाक्यल विरोधी यार राजन मेग अथवा यार मेग मुगिबिद्र आ राजन प्रमाण ऐन विरोध मेवेल विरोध सर मत प्रमाणिकते बीदर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक डीसीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव अधिकारी लवेश अरोड़िया ने 18 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे होने की बात कही। चुनाव बैंक के डायरेक्टर हाल में आयोजित किए जाएंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। एक घोषणा के अनुसार अब अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होंगे। कोई भी निदेशक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवारों को नामांकित, अनुशासित और अनुमोदित नहीं कर सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव गुप्त मतदान से होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। तेलंगाना में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीदर में जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बीदर तेलंगाना से लगा हुआ जिला है, इसको देखते हुए बीदर जिले में रहे सीमा क्षेत्र बीदर शहर में शाहपुर गेट, हुमनाबाद तालुके के भंगूर और औरा तालुकों में जाम्बी क्षेत्र में चेकपोस्ट के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल सहित अन्य अधिकारी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9994528-3920, 8422-1297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार राज्य के। दुखद अतिबेले आग लगने के कुछ दिनों बाद, जिसमें 14 लोग मारे गए थे, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अनेकल तहसीलदार, एक क्षेत्राधिकार, पुलिस निरीक्षक और क्षेत्रीय अग्निशमन अधिकारी सहित 3 अधिकारियों को यह कहते हुए निलंबित कर दिया है।
कि इन तीनों अधिकारियों के निलंबन का आदेश मंगलवार को आया, जिसमें सीएम सिद्धरामैया ने कहा तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक और अग्निशमन अधिकारी की ओर से खामियां थी, मैंने तीनों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने बेंगलोर शहरी जिले के उपायुक्त जिन्होंने पटाखे की दुकान के मालिक को लाइसेंस जारी किया था और पुलिस अधीक्षक को भी नोटिस दिया और इस बात का हिसाब मांगा कि क्या गलत हुआ जिसे घातक आग लगी। लाइसेंस जारी करने वाले डीसी और संबंधित एसपी को नोटिस दिया जाना चाहिए। दुकानदार के पास गोदाम का नहीं बल्कि पटाखे बेचने का लाइसेंस था। दुकानदार ने वहां सिद्धरामैया से कहा कि 7000 से 8000 किलोग्राम पटाखे जमा कर रहे थे जो वह तमिलनाडु से लाया था। जिस दिन घटना हुई उस दिन पटाखों से भरा एक ट्रक आया था और उसे तमिलनाडु के लोगों द्वारा अनलोड किया जा रहा था, जिसमें से अधिकांश गरीब छात्र थे जिन्हें प्रतिदिन 600 रुपए का भुगतान किया जाता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने हरित पटाखों के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर भी जोर दिया, खासकर जब दीपावली का त्यौहार आने वाला है। प्रो कन्नड़ कार्यकर्ता वटल नागराज ने बुधवार को कहा कि प्रो कन्नड़ संगठन कावेरी जल मुद्दे पर बेंगलुरु में राजभवन का विरोध और घेराव करेगा। विरोध प्रदर्शन और इसका नेतृत्व वटल नागराज और अन्य कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ता ने की। कर्नाटका रक्षणा वेदी के तमिलनाडु को छोड़े जा रहे कावेरी जल पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार कर्नाटका तमिलनाडु को 3000 क्यूसेक कावेरी जल जारी कर रहा है। यह आदेश 15 अक्टूबर तक लागू है जब प्राधिकरण की दोबारा बैठक होगी। यह विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार के खिलाफ आयोजित किया गया था और इसका नेतृत्व कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ता नागराज ने किया। उन्होंने तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश से जोड़ने वाले होस्कोटे टोल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध तरीके से अवरुद्ध कर दिया। नेशनल हाईवे जाम करने के आरोप में कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इससे पहले 5 अक्टूबर को मंड्या पुलिस ने कावेरी जल मुद्दे पर प्रदर्शन कर कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्यों को हिरासत में लिया। कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों के बीच लंबे समय से खींचातान चल रही है। नदी को दोनों राज्यों के लोगों के लिए जीविका के एक प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता है। इसराइल हमास संघर्ष पर कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव पर ग्रैंड ओल पार्टी की आलोचना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोमे ने उस पर आतंकवादी संगठन का समर्थन करने का आरोप लगाया। दावा किया कि यह कदम केवल घरेलू राजनीति में लाभ के लिए है और तुष्टिकरण पर अपने रुख की पुष्टि करने के लिए भी है। बोमे ने कहा कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और वे दोनों समूह कई वर्षों से लड़ रहे हैं और हमास के सदस्य फिलिस्तीनी नागरिक नहीं है बल्कि आतंकवादी थे और कांग्रेस इस पर पर्दा डाल रही थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस फिलिस्तीन में आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। वैश्विक स्तर पर सभी आतंकवादी एक जैसे हैं और महिलाओं और बच्चों पर बमबारी की गई। कोई भी समाज या धर्म इसे स्वीकार नहीं करेगा। त्रासदी यह है कि कांग्रेस फिर से तुष्टिकरण की राजनीति में उतर आई है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482212297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद्द करने और शैक्षणिक वर्ष के मध्य में पाठ्यपुस्तकों को बदलने के लिए राज्य सरकार की तीखी निंदा करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर वामपंथी बुद्धिजीवियों के चंगुल में होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तकों की सामग्री के विरोध से ज्यादा कांग्रेस लेखकों के नाम के विरोध में थे। पत्रकारों से बात करते हुए कागेरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों के साथ परामर्श किए बिना जिस जल्दबाजी के साथ पाठ्यपुस्तकों में बदलाव किए उसे पता चलता है कि यह सिर्फ राजनीति से प्रेरित था। इसने एनईपी को खत्म करने के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि इसके अलावा यह शिक्षा पाठ्यक्रम में राजनीति को मिलाने और युवा दिमाग को दूषित करने का कृत्य है। हालांकि सरकार ने अब पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने और राज्य शिक्षा नीति SCP तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है, लेकिन उन लोगों और संगठनों के प्रति अनादर दिखाने के अलावा और अधिक बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्र के सामाजिक सद्भाव बनाने और निर्माण में भरपूर योगदान दिया। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का एक और प्रयास होगा। कागेरी ने शैक्षणिक संस्थान चलाने वाले कांग्रेस मंत्रियों को पहले SCP की सिफारिशों को लागू करने की चुनौती दी और यह भी भविष्यवाणी की कि प्रभावशाली लोगों द्वारा संचालित संस्थान NEP का पालन करेंगे, जबकि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले गरीब छात्रों को SCP के अनुसार सीखने के लिए छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह गरीबों को NEP से वंचित करने का कांग्रेस का प्रयास था, जो उन्हें प्रतिस्पर्धी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने और समृद्धि करियर बनाने के लिए तैयार करता है। राज्य सरकार ने सूखे के कारण किसानों को हुए नुकसान को देखते हुए सभी बैंकों को उनके ऋणों का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया है। हाल ही में बेंगलुरु में राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC की एक विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया। SLBC कर्नाटका के प्रभारी संयोजक बी पार्श्वनाथ के अनुसार राज्य के सभी बैंकों के प्रमुखों और अग्रणी जिला प्रबंधकों को परिपत्र जारी किए गए। एक पत्र में उन्होंने कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न राहत उपायों पर चर्चा करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव और विकास आयुक्त शालिनी रजनीश द्वारा बैठक बुलाई गई थी। बैठक में राज्य सरकार द्वारा जारी सूखे की अधिसूचना पर विचार विमर्श किया गया और संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत कृषि और बागवानी फसलों के नुकसान पर रिपोर्ट पर ध्यान दिया गया, जिसके अनुसार राज्य के सभी बैंकों को पात्र किसानों के ऋणों का पुनर्गठन करने की सलाह दी गई। उन्हें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत उपायों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश का पालन करने की भी सलाह दी गई। JDS नेता बंडेपा खाशमपुर और GT देवेगौड़ा, जो पार्टी की कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ JDS पार्टी कार्यक्रम के लिए आज विजयपुर शहर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने शहर के ज्ञान योगाश्रम का दौरा किया और श्री मल्लिकार्जुन शिवा योगियों के प्रणव मंडपम गड़गुन में पूजा की। इस बीच उन्होंने इस पवित्र स्थान का दौरा किया जहां श्री सिद्धेश्वर रहते थे। वहां के श्री ने उन्हें ज्ञान योग आश्रम के बारे में जानकारी दी और आशीर्वाद दिया। वहां पार्टी नेता और कार्यकर्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। ऊर्जा विभाग के अनुसार कर्नाटक लगभग 1500 से 2000 मेगावाट की भारी कमी का सामना कर रहा है और वर्तमान में राज्य कम वर्षा के कारण उच्च बिजली की मांग की असाधारण स्थिति का सामना कर रहा है। राज्य को अक्टूबर में 15000 मेगावाट से अधिक की अप्रत्याशित मांग महसूस हो रही है। चालू वर्ष के लिए उपलब्ध ऊर्जा लगभग 3000 मिलियन यूनिट कम हो गई है। यह राज्य की वार्षिक मांग का लगभग 4% है। कर्नाटक में बिजली की स्थिति को समझाते हुए एक नोट में कहा गया कि राज्य में कम बारिश के कारण कृषि IP सिंचाई पंप लोड की मांग बढ़ गई है, क्योंकि किसानों ने अपनी फसलों को बचाने के लिए नियमित सीजन से पहले IP सेट का उपयोग करना शुरू कर दिया है। राज्य में सामान्य मॉनसून की अनुपस्थिति के कारण मांग में वृद्धि का अनुभव किया जा रहा है। जुलाई के अंतिम दो सप्ताहों को छोड़कर अगस्त और सितंबर की अवधि में मॉनसून की अत्याधिक कमी रही और इसके परिणाम स्वरूप राज्य में जल विद्युत बांधों में भंडारण कम हो गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा ने DCC के चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बीदर DCC बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष न्यूज़ के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।